क्या आप भी आधार सेंटर जाना चाहते हैं और आपके आधार सेंटर पे बहुत ही भीड़ भाड़ रहता है और आप चाहते हैं कि घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से अपॉइंटमेंट बुक करके हम आधार सेंटर जाएं, तो अब आप बहुत ही इजी तरीका से अपॉइंटमेंट बुक करके आप आधार सेंटर जा सकते हैं और वहाँ पे आपको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे आपको टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से यहीं से पेमेंट करके आप आधार सेंटर जाके आप नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड बना हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि उसमें हम कोई भी करेक्शन कराएं, जैसे आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, जैसे फ़ोटो, फिंगरप्रिंट, अगर आप इस सब में कोई भी करेक्शन, कोई भी सुधार करवाना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से अपॉइंटमेंट बुक करके आप आधार सेंटर जाके ये सब करवा सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे नया नया वीडियो में पर डे अपलोड करते रहता हूँ और मेरे वीडियो से आपको ज़रूर नॉलेज प्राप्त होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप अगर आप आधार सेंटर जाना चाहते हैं और आपके आधार सेंटर में बहुत ही भीड़ भाड़ रहता है, तो आप घर बैठे पहले अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। अगर आप नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो भी, अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है, अगर अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाना चाहते हैं, जैसे नाम हो गया, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और बायोमेट्रिक जैसे फ़ोटो, फिंगरप्रिंट, IRIS जैसे कुछ भी ऐसे में अपडेट करवाना होता है, करेक्शन करवाना होता है आपको, तो आप बहुत ही आसानी से अपॉइंटमेंट बुक करके आप आधार सेंटर जाके करवा सकते हैं और आपको वहाँ टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप यहाँ अपॉइंटमेंट बुक किए हुए हैं और आप जो है यहीं से अपॉइंटमेंट बुक करने टाइम में आप पेमेंट कर चुके हैं, तो आपको वहाँ पे कोई भी टाइम नहीं लगेगा। बस आप जाइएगा और आपका टाइम स्लॉट बुक रहेगा, उस टाइम में पहुँचना है और आपको वहाँ पे हाथों हाथ आपका नया जो आधार कार्ड बन जाएगा या आधार कार्ड बना हुआ है तो कोई भी करेक्शन हो जाएगा। तो कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है, कैसे क्या करना है, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप आधार सेंटर जाना चाहते हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, बायोमेट्रिक, फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कुछ भी आप अपडेट कराना चाहते हैं या जुड़वाना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि हम आधार सेंटर जाएं, तो आप आधार सेंटर जाने से पहले आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो कैसे करना है अपॉइंटमेंट बुक, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है UIDAI। यहाँ पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ये ओपन होकर आ चुका है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाए। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ये ओपन होकर आ चुका है, यहाँ पर देखिए माय आधार का एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर कर्सर रखना है और यहाँ पर देखिए कि आपको ढेर सारा यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे आपको बुक एन अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आप जो है अपने आधार कार्ड में आधार सेंटर जाके इतने सारे जो है आप वहाँ पर करेक्शन करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फ्रेश आधार कार्ड, नया आधार कार्ड के लिए आप यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बायोमेट्रिक, फ़ोटो, फिंगरप्रिंट और IRIS अपडेट करा सकते हैं। तो आप यहां पे आपको अपॉइंटमेंट दो तरीके से बुक कर सकते हैं। पहला है यहां पर देखिए बुक एन अपॉइंटमेंट UIDAI से जो है आप यहां पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और दूसरा है रजिस्टर के द्वारा भी आप यहां पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो हम यहां पे UIDAI से बुक करेंगे तो यहां पे अपना लोकेशन चूज कर लेंगे, आपके नज़दीक में कौन सा पड़ता है वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। यहाँ पर आपको ढेर सारा मिल जाता है तो आपको इसमें से ढूंढ लेना है कि आप कहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पे पटना वाले पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए कि ये जो है
यहाँ पे सिटी लोकेशन सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि आप जो है अपॉइंटमेंट यहाँ पे आधार अपडेट हो सकता है, न्यू आधार के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ मैनेज अपॉइंटमेंट के लिए बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चलूँगा आधार अपडेट पे और यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे देखिए फ्रेश आधार इन्वॉल्वमेंट, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम अपडेट करा सकते हैं, ईमेल आईडी, जेंडर, इसके बाद एड्रेस अपडेट, यहाँ पे फोटोग्राफी, तो आपको क्या अपडेट कराना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पे आप इतना सारा कुछ कर सकते हैं। तो चलिए पहले आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। इस पर ये कैप्चा है, कैप्चा यहाँ पर डाल के यहाँ पे जेनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डालना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे पहले मोबाइल नंबर डाल के दिखा देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये कैप्चा आपको डालना है, स्मॉल में है तो स्मॉल में डालना है और कैपिटल में है तो कैपिटल में ही डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना। जैसे मेरे केस में यहाँ पे आ गया है ओटीपी और मैं अपना ओटीपी यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि ये ओटीपी जो टाइम होता है वो 10 मिनट का वैलिड होता है, तो आपको 10 मिनट के अंदर अंदर में आपको ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपको सारा ऑप्शन यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर देखिए अपडेट का ऑप्शन है, क्योंकि मैं अपडेट किया था तो वो ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर आधार पर जो नाम है वो डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि आपका डॉक्यूमेंट चूज करना है कि आप क्या देना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको डालना है, स्टेट चूज करना है, सिटी और यहाँ आधार सेवा केंद्र आपको सेलेक्ट कर लेना। चलिए पहले आपको यहाँ पर आधार नंबर डालिए, इसके बाद ये ऑप्शन से ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका जो आधार नंबर आ गया, नाम आ गया। अब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, कहाँ से है तो मैं बिहार से हूँ, मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, भागलपुर पटना, तो आप कहाँ अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो वो आप, मैं पटना किया हूँ तो पटना आया और भागलपुर, तो यहाँ पे मैं पटना सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर देखिए कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है। अब यहाँ पे आधार सेवा केंद्र आपको इसमें से चूज कर लीजिए, ASK 15 पटना, और पटना डालने के बाद यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन आ चुका है नेक्स्ट का। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट फाइल टू बी अपडेट, यहाँ आप किस चीज़ में जो है करेक्शन करवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पर देखिए 50 रुपया का ऑप्शन आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं डालता हूँ तो यहाँ पे 0 है, तो आपको पहले यहाँ नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं, जेंडर, तो इस तरीके से आपको ये कॉलम बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर देखिए कॉलम बढ़ते जा रहा है जो आप करेक्शन करवाना चाहते हैं, इस तरीके से देखिए। और जो भी आप हटा देना है तो इस तरीके से आप इसको हटा दीजिए तो सिर्फ 1 रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र आपको डालना है, जिसमें से आपका क्या आपके पास प्रमाण पत्र है, जो आपका नाम सही है तो यहाँ पे आपका प्रमाण पत्र डाल देना। जैसे मैं यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट करूँगा तो इस तरीके से पैन कार्ड डालूँगा और ये मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे नाम डालने के बाद पैन अपना प्रूफ डालने के बाद क्या आपके पास प्रूफ है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए कि इस डेट में जो है अपॉइंटमेंट बुक नहीं है, खाली जो रेड वाला है तो बुक नहीं है और यहाँ पे देखिए अवेलेबल है, यहाँ पर देखिए 18 अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पे ये वाले को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि अवेलेबल स्लॉट पे आपको ये इस तरीके से खाली रहेगा और जो नहीं रहेगा रेड रहेगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कि आपको पूरा डिटेल आ चुका है कि आप कहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए कि आपका पूरा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट जो है आपका ये डिटेल है, यहाँ पर्सनल डिटेल आ गया, टाइम स्लॉट आ गया और यहाँ पर आपका फाइनल हो जाएगा, तो यहाँ पर सबमिट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए प्लीज़ श्योर ऑल फाइल इंफॉर्मेशन आर करेक्ट, जो पूरा कुछ आपका जो है सब कुछ सही है तो सही है, तो यहाँ पर देखिए कि वही पूछ रहा है आपको सही है, तो यहाँ पे ओके करना है तो कैंसिल, तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। जैसे इस पे ओके करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है बोल रहा है पेमेंट कंप्लीट टू अपॉइंटमेंट, यहाँ पे ओके कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो है पेमेंट यहाँ पे ऑनलाइन मेथड होगा और यहाँ पे देखिए कि आपका अपॉइंटमेंट डिटेल हो गया है इतना 31 तारीख में, यहाँ पे टाइम आ चुका है, यहाँ पे अप्लीकेशन टैप आ चुका है और यहाँ पे 50 रुपया आ चुका है, यहाँ पे 50 रुपया आपको 42 रुपया कटेगा और GST मिला के आपको 50 रुपया करेगा। यहाँ पर देखिए कि सेलेक्ट पेमेंट मोड है, आपको इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं या पे यहाँ पे पेमेंट गेटवे से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे पे
पे यू भी कर सकते हैं। टैप करना लेना है इस तरीके से, आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि पे यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका ढेर सारा ऑप्शन ओपन हो गया जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI। आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चूज करूँगा डेबिट कार्ड, तो मैं इस पर चूज करूँगा और मैं पेमेंट पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में जो है ये जो है पेमेंट गेटवे का ऑप्शन यहाँ पे ओपन होकर आया था। अब यहाँ पर देखिए आपको 50 रुपये कटेगा और यहाँ पे अपना कार्ड पर जो नंबर है कार्ड नंबर वो डालेंगे, एक्सपायरी मंथ और ईयर डालेंगे, यहाँ पे CVV नंबर डालेंगे, यहाँ कार्ड पर जो नाम है वो डालेंगे और यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट से 50 रुपये कट हो जाएंगे और आपको जो टाइम मिला है, जो डेट मिला है, वो भी टाइम और डेट में आपको उस सेंटर पर जाना है। तो वो सेंटर पर जाने के बाद आपको पैसा नहीं लगेगा और आप जो नेम में जो आप अपॉइंटमेंट बुक किए हैं वहाँ पर जाने के बाद आपको वहाँ पर पैसा नहीं लगेगा और आपको टाइम भी कम बच लगेगा क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट बुक है। बस वो टाइम में पहुंचिएगा और वहाँ पे आपका जो है नाम में जो करेक्शन के लिए आप अप्लाई किए हैं वहाँ पे आपका नाम करेक्शन कर दिया जाएगा और आपको कोई भी पैसा वहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। सो गाइस, ये बहुत ही सिंपल और आसान प्रोसेस है। अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवा सकते हैं या नया अपॉइंटमेंट यहां से ही बुक कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस, आपने जाना है किस तरीके से हम घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से हम आधार सेंटर जाने से पहले कैसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।